अच्छा है ये ऐसे अमित हैं डायरेक्टर हैं इस कुटुंब फिल्म के और बड़ी युवा टीम है ये और आर्यन ने एक गाना बहुत अच्छा होली सॉन्ग में सुनाया तो फिर लोगों ने कहा कि तो गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा कि जिस पे काम करेंगे लेकिन बाद में बोले कि ये गाना भी आपको है तो मैंने गा कैसे पाएंगे लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा होली सॉन्ग है तो आप सब लोगों को अच्छा लगे वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटा मोटा आता है उसको अच्छे से पेश करें अच्छे से अलग अलग लेकिन अच्छी बात है कि कोई चीज़ जब थोड़ी स्ट्रेंथ तब मिलती है जब कोई चीज़ दिल को छूती है 100% कुटुंब के रशे देखे थे तो बड़ा अच्छा सब बच्चों ने काम किया है उसमें और ये गाना भी सुना तो लगा कि बड़ा ईमानदारी भरा काम है तो तृप्ति शाक्या जी और हम लोग इसको कर रहे हैं और कोशिश बस यही शुभकामनाएं देता हूं कि खूब सबको फिल्म अच्छी लगे और काम अच्छा हो जाए तो मेहनत ज़्यादा अच्छे से तो हम चाहते हैं कि मेहनत से ये गाना अच्छा हो जाए और आप सब लोगों को पसंद आए तब मेहनत ज़्यादा जाए बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं सबसे पहले तो और जो गाना कंपोज किया था मुझे एक देसी टीवी का लाभ चाहिए थी जो भैया ने इतने अच्छे से निभाई है कि मतलब मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि भैया इतना अच्छा गाना है और रियली आप लोग एंजॉय करेंगे इस गाने का बहुत अच्छे लिरिक्स हैं बहुत अच्छा म्यूज़िक है काफ़ी मेहनत की है अमित जी का भी थैंक्स बोलूँगा हमारे प्रोड्यूसर सर का भी थैंक्स बोलूँगा बहुत बहुत उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और बहुत मेहनत से काम किया है बाकी आप लोगों का प्यार भैया का प्यार अरे बोलो अवध का छोरा अवध का छोरा खेले गुलाल अवध का छोरा खेले गुलाल मन को हमर रिझावे रसिया करके मीठी मीठी बतियों प्रीत रंग मोपेड़ार अवध का छोरा अवध का छोरा खेले गुलाल अवध का छोरा मचाए धमाल हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद